वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इंडिया डायल देख रहे सभी दर्शकों साढ़े चैनल वालों सत श्री अकाल। अज असी तुहानूं लैके आए फिरोजपुर के जिथे कि साढ़े दशमें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने अपने मुक्तसर साहिब युद्ध के दौरान अपने चरण पा के इस जगह को पवित्र किया। अज उस गुरुद्वारा साहिब के तुहानूं दर्शन करवावांगे और इस जगह न जुड़े इतिहास ना भी रूबरू करावांगे। आओ चलते हैं, पहला दर्शन करवाने और दिखा रहे हैं तस्वीर के स्मार्ट इंडिया डायल चैनल के जरिए। इस टाइम असं खड़े हाँ कि जितने कि पूरा इतिहास इस गुरुद्वारा साहिब का इस बोर्ड के उपर लिखा गया, तुम देख सकते हो बल्कि कि किस तरीके ना जरा कि गुरुद्वारा साहिब का नाम पिया और सारा कुछ ही इतने लिखा हुआ। ये हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश आप कैमरामैन कहोंगे कि तुम्हें तस्वीर के दिखाया जाए कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तिना दे जरा इतने जी इतने की हिस्टरी आ लिखी हुई है, तुम देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और जब भी तुम इस जगह पर आओ तो इतने फिरोजपुर के जरा इस गुरुद्वारा साहिब से जरूर आओ। पिछे तुम देख रहे हो तस्वीर के एक काम चल रहा है जिथे कि दीवान साहिब लग्या करूंगे, तुम देख सकते हो बहुत ही सोहना जरा कि इतने काम चल रहा, देख सकते हो किस तरीके का काम चल रहा, बहुत ही सोहने तरीके आता पे नीचे पार्क बनूगा, बहुत ही वधिया तरीके चलते हैं। तुम्हें दिखाने कि सरोवर साहिब जिथे कि नीले घोड़े ने खुर मार के पानी कढ़िया सी, आओ चलते हैं सरोवर के दर्शन करवाने। तुहानू ले चलते सीधा पवित्र सरोवर के कोल, असी तस्वीर तुहानू दिखा रहे कि यही वो पवित्र सरोवर, असी कैमरामैन कहोंगे तुहानू सीधा तस्वीर दिखाया जाए कि यही वो पवित्र सरोवर है जिथे दशमें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े ने, नीले घोड़े ने इतने खुर मारिया से, और इस पवित्र स्थान पर जरा जरा जल अमृत जरा इतने निकलिया सगा। इतने बहुत ही ज़्यादा रौनक लगती, मेला लगता बसंत पंचमी के दिन जरा इतने मेला लगता। बाकी अगे की जानकारी असी जे इतने के ग्रंथी आ उन्होंने को लवेंगे या इतने बाबा जी आना को जानेंगे। दोस्तों हमने पवित्र सरोवर के तुम दर्शन करवाने और इस पवित्र सरोवर के असी भी दर्शन करते हैं तुहाडे नाल नाल, तुहाडे सहयोग के नाल ही असी इत्थे तक पहुँचे हैं और इस पवित्र जल नूं ग्रहण करके असी भी पवित्र होइए। आओ आओ दोस्तों हम चलते हैं, तुहानूं दर्शन करवाने हैं, तुहाडे नाल नाल असी भी दर्शन करते हैं और गुरु महाराज जी के चरणों से नतमस्तक होते हैं। आओ चलिए दर्शन करवाने हैं तुहानूं गुरुद्वारा साहिब। असी हूँ गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके जरा कि ताले नाल असी भी हूँ पवित्र हो चुके हैं। इन्ना क ज़्यादा सुकून मिले, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इस टाइम असी खड़े हैं इस पेड़ थले, जिदा इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि वो जगह वो पेड़ है जिथे दशमें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने इतने आके दातन की, बहुत ही पवित्र जगह। असं इतने भी नतमस्तक होंगे
इस तो बाद अगर तुम लैके चलते हैं जिते वो पेड़ है जिते कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जोड़ा उन्होंने घोड़ा उन्होंने बनया से असं कैमरामैन कहोंगे एक बार इस पेड़ के तहूँ पवित्र पेड़ के तहूँ दर्शन करवाए जा उस तो बाद असी अगे चलेंगे। दोस्तों इस टाइम असी तुहानू लैके आए हैं एक पवित्र पेड़ के कोल जिथे कि जंड साहिब को जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दसवीं पातशाही जी ने अपने घोड़े को इतने आके बनिया और ये उही जंड साहिब है उही पेड़ है जिथे तुसीं देख सकते हो असी कैमरामैन कहोंगे इस पवित्र स्थान के इस पवित्र पेड़ के भी तुहानू जिहड़े कि दर्शन करवाए जा देख सकते हो किस तरीके ये पवित्र पेड़ अज भी जिहड़ा कि इतिहासिक जिहड़ा कि जंड साहिब पेड़ आप भी इतने मौजूद ने कैमरामैन कहोंगे कि पूरे तुहानू इहदे दर्शन करवाए जा। हुण असी गुरद्वारा साहिब के तुहानू दर्शन करवा दिते और दर्शन करके किहो जिहा लग्या सानू कमेंट करके जरूर दस्या करो और अगली वीडियो या अगले दर्शन असी किस जगह पर कराइए सानू कमेंट से दस्या करो असी उत्थे ही पहुँचांगे और तुहानू घर बैठे लाइव दर्शन भी करवावांगे। इस टाइम दोपहर का टाइम हो चुका 3 बजे तो उपर टाइम हो गया और भी बहुत जोर ना लगी है तो आओ चलिए पहला प्रशादा छकने हैं गड्डी मोड़ लो गुरुद्वारा साहिब लंगर हॉल के आए खड़े कि जिदा पूजा के इस तरीके सेवा भावना जी इतनी सेवा की जाती है अपने सारे निजी कामकाज छड़ के लोग इतने आके सेवा करते हैं क्योंकि इस सेवा नाल बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता दिल को सुकून मिलता है इसलिए अपना टाइम छड़ के गुरुद्वारा साहिब आके एक दिन जरूर कटिया करो इतने आके सेवा भाव सेवा कराया करो जिदा कि तुम बार भी देखा कि किस तरीके जोड़े लोग आ जोड़े कि इतने सेवादार आके अपने काम का छड़ के बाहर आके फूड पॉलिश भी करते कल असं दिखाया तस्वीर बहुत ही ज़्यादा सेवा भावना इतने लोग आते सेवा करना जरा बहुत ही बड़ा जरा सुकून मिलता और परमात्मा का ज्ञान होता बाकी आओ चलते हैं लंगर हाल के हम लंगर छक जिदा कि दोस्तों तुम देख रहे हो कि इतने असं आए हैं प्रशादा लंगर अं छक लिया सेवादार इन्नी कि सेवा भावना इतनी सेवा करते हैं इन्ने कि प्यार लंगर प्रशादा छकाते हैं हम तो सानू जिहड़ा कहिंदे कि चाह पानी का भी लंगर आ वह भी छक के जाओ इदा असं तुम जान नहीं देना जाओ चाह का लंगर चाह का प्रशादा भी छकते हैं उस तो बाद फिर चलते हैं दोस्तों हमें असं जरा लंगर प्रशादा छक लिया
इन्हों वालों इन्हों की सेवा माप दे के इन्होंने सानू जो रिक्वेस्ट की है कि नहीं सू इ नहीं जान देना तुम्हें चाह का लंगर तुम छक ही जाना तो चाह का लंगर प्रशादा भी छक लिया और बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून मिले इन्हों की सेवा भाव देख के और इतने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके तू किसी कह लगा सू कमेंट करके जरूर दस्या करो अगर ते छोटे भरा तो ताे बच्चे तो ये कोई गलती हो गई बोलन से या कुछ कवर कर छुट गया हो मैं माफ़ करो और अगे असी किस टॉपिक से वीडियो बनाइए खबर करिए और अगे किस जगह की तुम दर्शन कराइए सू कमेंट करके जरूर दस्या करो और इस गुरुद्वारा साहिब के जोड़ा लंगर भंडारा है वो 24 घंटे लंगर भंडारा चलता इन्हों वालों जोड़ा सेवादारा वालों दसया गया और अगर तुम दूरों कितों भी आने तो इतने रहन की भी बहुत ही अच्छे बंदोबस्त इन्ह वालों फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़े गुरुद्वारा साहिब की कमेटी वालों किए गया तो अगे असी ज़्यादा जानकारी लिए इतने जोड़े ट्रस्ट के या तो बाबा जी आ ग्रंथी आ जो भी मिलते हैं असं उन्हों गलबात करते हैं इतनी की ज़्यादा तो ज़्यादा जानकारी है इस गुरुद्वारा साहिब न जुड़ी हुई हिस्टरी इतिहास होर भी ज़्यादा ताे ताे सामने लैके आते हैं रूबरू कराने आ जाओ चलिए उन्होंने गलबात करते हैं तक तुम देख रहे हो साडे चैनल के राही साढ़े नाल बाबा जी मौजूद ने असं उन्हों को जानते हैं इस गुरुद्वारा साहिब के नाल जुड़े इतिहास के बारे सत श्रीकाल जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह पलाग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो साढ़े दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी के पवित्र स्थान पर आ करके तुम जानकारी प्राप्त कर रहे हो संगतान दूर तक सारे संसार के विचार रहे हो जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दसवें पातशाह जदों मुक्तसर साहब जी की जंग तो बाद इतने आए सन इस धरती से बैठे सन इस जंग के नाल गुरु साहब जी महाराज जी ने घोड़ा आके बध्या है घोड़ा आके इस जंग के नाल गुरु साहब जी महाराज जी ने बन्या सी ते गुरु साहब जी महाराज जी के कोल एक तित्तर आया एक बाज आया बाज ने भी गुरु साहब जी महाराज जी को नमस्कार की तित्तर ने भी गुरु साहब जी महाराज जी को नमस्कार की जो नमस्कार की तो गुरु साहब जी महाराज जी ने तित्तर वाल इशारा किया बाज ने नोच नोच के मास तित्तर का खाधा सारी संगत के सामने सारे गुरु साहब जी महाराज जी के सामने बाज ने तित्तर का मास जरा नोच नोच के करके खाधा पर संगतां ने पूछा महाराज अगे महाराज सतगुरु जी कृपा करो सानू भी इस बारे दसो गुरु साहब जी महाराज जी ने दसिया कि भाई ये जिहड़ा तित्तर है ये जट सी जिहड़ा बाणिया ये बाज सी ते जट ने पैसे लए सी बाणिए तो सानू जामण विच रख के ते भौंके पैसे वापस नहीं किए इस करके फिर असी अपनी जामनी दे विचों निकले हां तां ही इस स्थान का नाम जामनी साहिब पिया गुरु साहब जी ने अपनी जामनी इत्थे तारी सी होर इत्थों का इतिहास आ गुरु साहब जी महाराज जी ने इत्थे ही जिहड़ा है पानी की बहुत दिक्कत सी ते गुरु साहब अगे संगतां ने अरदास की महाराज पानी किहड़े पासे लईए अते गुरु साहब जी महाराज जी ने आख्या कि तुसी नीले दे अगे अरदास करो नीला तुहानू पानी देगा नीला घोड़ा घोड़ा गुरु साहब जी महाराज जी ने जदों संगतां ने कह गुरु साहब के कहने ते संगतां दे जो संगतां ने अगे नीले घोड़े दे अगे अरदास की बेनती की नीले ने इत्थे आ सूं मारिया जिथे आ सरोवर है जिहड़ा सज्जा सूं मारिया ते बहुत पवित्र जल निकलिया जो मिठा जल गुरु साहब जी महाराज जी ते संगतां ने सारियां ने छकिया बहुत ही इत्थे पवित्र स्थान है बहुत ही गुरु साहब जी महाराज जी के चरण छो प्रापत धरती है होर भी आप स्थानों पर जाने पर इतों का इतिहास एक बहुत वक्रा ते अचरज है जेडे साढ़े दादा जी भी इतिहास इतने सुनाते होंगे सन हूँ तो जोड़ा लोग किसी के मगर उन्ना नहीं जाते बहुत सारा इतिहास जोड़ा इतों का जोड़ा है इतिहास साढ़े दादा जी उदो गढ़ से आते होंगे सन गढ़ से आते जोड़ा ये जोड़ा ही जोड़ा साड़ी इतने जमीन भी सी इधर जमीन वाहन आते तो जो जमीन वाहन आते तो जोड़ा खुर से बलद का वो जोड़ा लीह के फस गया जो लीह के खुर फस गया तो उत्तों गड्डी आ रही रेल रेल जो आ रही सी तो रेल जी सी उन्होंने ये भी कि गऊ के प बल्द के पैर कट्टे जाने तो बल्द मर जाना तो साढ़े सिर पाप लग जाना सारा आले आला पिंड सारे का सारा ही जोड़ा सी गड्डी की लीह के उत्ते चला गया है भी गऊ की हत्या ना हो जड़ा है सारा पिंड जो लीह के उपर चलिया वेख्या जदों तो जोड़ा रो जी ट्रेन सी वो पिछे जोड़ा रोगी जो ट्रेन पिछे रोगी दसवें पातशाह अगे अरदास बेनती संगतान की महाराज साढ़े दादा जी ने भी असी इतने पावन ही तेरे को जी दाण की झोने की जी हरी सोनी तेरे को पजाव करा तो साढ़े तो कृपा कर तो महाराज अगे अरदास बेनती जो की साढ़े दादा जी ने तो खुर भी जोड़ा है बल्द का निकल आया जो इतों का इतिहास है बहुत सारा इतिहास है असी जरा तकरीबन कोशिश करी थी जदों वेले होइए
इतने आके थोड़ी बहुत सेवा करते रहिए, संगतों के दर्शन करते रहिए। बाबा जी जिदा कि तुम साढ़े चैनल में जुड़े हो स्मार्ट इंडिया डायल दे, असं अपने दर्शकों दसदे हाँ रूबरू कराने कि जिते भी असं जाने वह इतिहास की स्टोरी की है। तो सब तो पहला साड़ा सवाल होगा बाबा जी, जेडे करजा लिता जी पैसे लिते से जट ने लिते से बाड़िया ना? जट ने लिते, जट ने लिते, जट लैके तो उदो मर गया से, मतलब मर गया तो तित्तर जून पै गया। जी दूसरी जोनी तुम दसी है वह जेड़े वो तित्तर कौन सी तो सर बाज कौन सी? तित्तर से जरा वो जट से, बाज से जरा वो बाणिया से। इतों का इतिहास है भी इतने भी पढ़िया इतिहास है। उस तो बाद सर जरा गुरु गोबिंद सिंह जी जे साढ़े दसवें पातशाह उन्होंने को जो बाज होंगे उही बाज है? हाँ जी हाँ जी, ये तो गुरु साहब ने पता हूँ, अभी तो हम ते सामने ताडे आंगू ही हाँ। ये तो गुरु साहब नहीं पता भी केड़ा बाज सी, भी गुरु साहब के नाल जिहड़ा सी ओह सी जां होर सी बाज, ये तो गुरु साहब नहीं पता जां वो समय नहीं पता इस बारे तो मतलब भी नहीं। दूसरा जिहड़ा कि असी एक होर सवाल जिहड़ा कि सरोवर असी देख रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये उही सरोवर जिथे बाबा जी के घोड़े ने हाँ जी हाँ जी उही सरोवर। जिदा सुनने च आ रहा कि मतलब जिदा तुम दसा कि इतने पानी की बड़ी प्रॉब्लम सी, हाँ जी हाँ, उस बाद पानी की प्रॉब्लम पिंड की सोल्व? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बजीतपुर साहब की इतों की जो पानी की बहुत प्रॉब्लम सी, तो गुरु साहब अगर अरदास बेनती की, गुरु साहब जी ने आख्या कि घोड़े अगे अरदास करो, तो घोड़े ने जरा ही इतने सोम मारिया है, वही सरोवर है, वही इतने स्थान है। इतने बहुत भारी मेला मस्या वाले दिन, पंचमी वाले दिन जरा ऐतवार जरा इतने बहुत भारी मेला लगता है। बाकी इतने 24 घंटे बाबा जगतार सिंह जी वालों सेवा चलती पी रही है, 24 घंटे सेवा चलती रही, 24 घंटे दो लंगर चलते रहते हैं, जिहड़े बहुत दूरों दूरों संगत आके दर्शन कर दिया रही। असी तुहाडा भी बहुत तहे दिलों धन्नवाद हाँ जिहड़ा तुसीं साडे नाल इन्ने विचार। बाबा जी साडे दर्शकों नूं भी दसो जे ओह अगर आना चाहे फिरोजपुर तो किस तरीके नाल इत्थे आया जावे, और इह जगह दा नाम की है, पिंड दा नाम की है? इह आ गुरद्वारा बजीतपुर साहिब, गुरद्वारा बजीतपुर साहिब दे नां ते ही मशहूर है। जदों आपां फिरोजपुर छाउणी उतरना तो यह मोगे वाला रोड है, मोगे वाला रोड पर आके गुरुद्वारे साहब बजीतपुर जामनी साहब के नाँ पर ही मशहूर है। तो जो मर्जी आए, रात आए, दिने आए, इतने कमरे भी मिलते हैं। इतने बहुत ही कमेटी का सुचजा ढंग है, बहुत ही इतों प्रधान साहब भी बहुत चंगे ने, बाकी सारी सारे मुलाजम ही सारा स्टाफ ही बहुत चंगा। बस स्टैंड तो जो ऑटो वगैरह सारे उतों, हाँ जी उतों मिल जाते, उतो बस स्टैंड तो मिल जाते। तो बाकी मोगे वाली सड़क तो उतरना बजीतपुर साहब, बजीतपुर साहब इतने व्डा वीड्डी सड़क जो व्डा मेन रोड है वीर, वो भी नेड़े है। ठीक है बाबा जी, एक असं देख रहे तस्वीर के जिदा कि असं कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा दिखाया जाए कि आ लंगर हॉल बन रहा है, की बनता पाया थोड़ा ये दसूंगे साढ़े दस? ये लंगर हाल भी, लंगर हाल तो इधर चलता पाया, हाँ जी ये दीवान हाल है, दीवान हाल इतने संगतान दीवान हाल से थले जरा है जरा पार्क बनता पाया, थले पार्क बन गया इतने दीवान आले, दीवान चले करेगा, दीवान चले करेगा गुरु साहब जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिदा कि हुणी तुसीं देखिया साढ़े नाल इत्थे जिहड़े बाबा जी आ साढ़े नाल सीगे, बहुत ही प्यारियां प्यारियां उन्होंने गल्लां कीतियां, इस गुरुद्वारा साहिब नाल जो इतिहास जुड़िया वो तुहाडे नाल सांझा कीता, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलिया इस गुरुद्वारा साहिब दे विच आ के। अगर तुसीं भी कभी फिरोजपुर आओ साडे चैनल दे राही जिद्दां कि तुसीं देख रहे हो, तो अगर फिरोजपुर आते बस स्टैंड ते आ मोगे वाला रोड आ, इत्थे बजीतपुर जिहड़ा पिंड दा नाम आ, बहुत ही सोहना गुरुद्वारा साहिब आ, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता इत्थे आ के। जद भी इत्थे आना चाहो तो आ सकते हो, दिन रात 24 घंटे इतने दसया गया कि लंगर भी चलता, और रहन की जोड़े बंदोबस्त भी बहुत ही वधिया इतने की प्रबंधक कमेटी वालों किए गए। उस तो अज असी तुम लैके आए थे जिथे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दसवें पातशाह जी ने इतने अपने पावन चरण पा के इस जगह पवित्र किया, उस जगह तुम दिखाई और पेड़ दिखाए जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने घोड़े को बनया से, और उस सरोवर के भी दर्शन करवाए जिथे कि नीले घोड़े ने जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का घोड़ा उन्होंने खुर मार के इतने पानी कढ़िया। सुनने से आता कि जिहड़ा पहला कि पिंड पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी, लोगों ने आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अगे अरदास की, तो उन्होंने कहा कि नीले घोड़े अगे अरदास करो, उस तो बाद इस जगह पर पानी आ गया सी। बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र स्थान आ, तुहानू इस जगह पर दर्शन करके साडे चैनल के राही किस तरीके का लगा प्लीज़ सानू कमेंट करके जरूर दसो, और साड़ी इसी तरीके की वीडियो और खबर देखने साडे चैनल सबसक्राइब करो। ये अपना चैनल आ, कैमरामैन संध्या के नाल सुनील कुमार फिरोजपुर।